की विलाग में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे जो सिटी सेंटर में कुछ प्लेसेस हैं, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज मेरा दूसरा दिन है आइसलैंड रेकोविक, जो कैपिटल सिटी है आइसलैंड का, उसमें। तो आज की व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे जो सिटी सेंटर में कुछ प्लेसेस हैं। सिटी सेंटर में थोड़ी सी वॉकिंग करेंगे और उम्मीद है कि जो पिछला व्लॉग था आप लोगों ने इंजॉय किया होगा हमारे साथ, जो गोल्डन सर्कल वाला व्लॉग था। तो आज की सिटी सेंटर टूर से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। चलो अभी चलते हैं और स्टार्ट करते हैं टूर रेकोविक सिटी का, और उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे। तो गाइस, अभी देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ सिटी सेंटर की तरफ बाय वॉकिंग डिस्टेंस, इतना दूर नहीं जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, और ये लोकल बस आप देख सकते हैं। और बाकी मौसम आज बिल्कुल लाइक ग्लूमी सा है, इतना भी ठंडा नहीं है, पर भी लाइक मैंने जैकेट लिया हुआ है। बाकी ये देखिए कितना साफ़ सुथरा है, आप देख सकते हैं आइसलैंड, और हर चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से है। यहाँ पे हर चीज़ का अपना तरीका कार और अपना सिस्टम है, और काफ़ी लाइक बेहतरीन वो है सेटअप है यहाँ पे। तो अभी चलता हूँ मैं सिटी सेंटर की तरफ, आप लोग साथ रहें और इन्जॉय करें व्लॉग हमारे साथ। रास्ते पे जो पार्क सा मिला, बहुत ही प्यारा पुरसकून पार्क है। ये देखिए कुछ स्टैचूज भी लगे हुए हैं और साथ में ये झील सा रिवर सा बना हुआ है। तभी मैंने जाना है आगे, ये जो डाउनटाउन एरिया है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे फर्स्ट हम जाएंगे, यहाँ पे एक चर्च है, चर्च सा बना हुआ, तो वहाँ पर जाएँगे। तो पर यहाँ पर आके लाइक थोड़ा सा लाइक मैंने कहा कि आप लोग ये दिखा दो, बहुत ही प्यारा लाइक मौसम है आज, और साथ में ये पीसफुल लाइक आप कह सकते हैं कि पार्क सब बना हुआ है। यहाँ पे आके आप इंजॉय भी कर सकते हैं, और काफ़ी पीसफुल है। देखें कुछ लोग यहाँ पे वॉकिंग भी कर रहे हैं और कुछ फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़े का वो आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे बंदे दिल को सुकून मिल जाता है यहाँ पे। तो यकीनन एक सुकून वाली जगह है और बहुत ही नाइस और इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है। तो अभी चलते हैं आगे, और जो एक यहाँ पर चर्च सा बना हुआ है वहाँ पे चलते, वो भी मशहूर प्लेस है। तो अभी हम जा रहे हैं सिटी सेंटर के अराउंड, सिटी सेंटर की तरफ। तो गाइस, ये है इनका मशहूर लाइक आप कह सकते हैं कि चर्च, और यहाँ पे ज़्यादातर तो लोग आते हैं। आप देख सकते हैं टूरिस्ट भी अभी आए हुए हैं कुछ सराउंडिंग प्लेस, और ये आप कह सकते हैं इनका सेंटर है। तो ये
नाम मुझे इसका तो थोड़ा वो है, मुश्किल है, हल हल मेरे के इस तरह कुछ इसका नाम है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे इसका नाम आप देख सकेंगे। तो ये है यहाँ का मशहूर और मॉडर्न चर्च, और इसको आप विज़िट किए बगैर ना जाएं, क्योंकि ये रखे हुए की पहचान है एक किस्म की। और नॉर्मली आप देख सकते हैं घंटी बज रही है, नॉर्मली यहाँ पे जब न्यू ईयर होता है या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो इस जगह पे लोग सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। और ये इस सिटी की, रिक्विक सिटी की आप कह सकते हैं किस्म की पहचान है। तो हम आ गए यहाँ पे और हम यहाँ पे थोड़ी सी लाइक मेमोरीज़ बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी कुछ लाइक इसके लाइक वो शॉर्ट्स शेयर कर लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोग हमारे साथ इंजॉय कर रहे होंगे। तो यकीनन गाइस, जिस तरह मैं एक्साइटेड हूँ और इंजॉय करो, उम्मीद है आप भी मेरे साथ ये वीडियो देख के एंजॉय कर रहे होंगे। और स्टे ट्यून और एंजॉय द व्लॉग। गाइस, ये यहाँ का मशहूर चर्च, थोड़ी सी अंदर वॉकिंग की, और यहाँ पे लाइक ये बड़ा मॉडर्न वो है, लोग यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट और फोटोज़ वगैरह निकालते हैं। तो अभी यहाँ पे एक रेनबो स्ट्रीट है वो देखा के आपके वहाँ पे चलते हैं, और उसके बाद एक और कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ पे, एक उसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी मशहूर है, तो वो भी देखते हैं। तो गाइस, ये है रेनबो स्ट्रीट, ये जो कलर बने हुए हैं, ये भी यहाँ की मशहूर शॉपिंग स्ट्रीट है, और लोग यहाँ पे आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड पे सारे आपको रेस्टोरेंट और दुकानें मिलेंगी और शॉपिंग्स की। तो ये यहाँ की मशहूर स्ट्रीट है, और देख रहे हैं लोग फोटोज़ भी निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ये चर्च सामने, ये चर्च के सामने आपको ये स्ट्रीट मिलेगी बाय वॉकिंग डिस्टेंस 700 मीटर के फासले पे। तो गाइस, अभी चलते हैं वो जो प्लेस में आपको बता रहा था, उधर चलते हैं। हाँ, जो एक कॉन्फ्रेंस हॉल सब बना हुआ है, उसकी आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में आप लोगों को दिखाता हूँ। बस ये देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ अरेंज होती हैं। थोड़ी सी हवा चल रही है, चिली वेदर है, तो जैकेट ओढ़ना पड़ेगा। मैं तो जैकेट मैंने हाथ में लिया है, तो ये देख रहे हैं। गाइस, ये जो आर्किटेक्चर थी, ये हार्बर के नाम से आई थिंक ये इसका नाम है, ये बिल्डिंग पे लोग यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए। इसके अंदर भी आप जा सकते हैं, आई गेस में भी टिकट होगा। तो आज का दिन देखे, ये बादल और सामने वो वोल्केनिक इरप्शन के जो माउंटेन बने हुए वो भी आप देख सकते हैं। तो ये है, और साथ में कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रही है यहाँ पे अभी, और ये आगे फिर वो अटलांटिक ओशन है। और ये देखें, ये है आर्किटेक्चर, और लोग देखे फ़ोटो निकाल रहे हैं इनके साथ।
तो अभी देखते हैं कुछ अगर अच्छी चीज़ है तो मैं हम लोगों को दिखाता हूँ। पर ये मेन बिल्डिंग है और इसको देखने के लिए स्पेशली इवनिंग के टाइम पे लोग आते हैं। आई थिंक ये इसमें लाइट वो लगती है, आप देख रहे कुछ आन भी है तो उसको देखने के लिए ये बड़ा प्यारा लगता है। आई होप के इवनिंग के टाइम पे, पर अभी तो समर का टाइम है, इवनिंग होती ही नहीं है इतना। लाइक इवनिंग होती है थोड़ी पर नाइट वो नहीं होती जो कम्प्लीट डार्कनेस होती है। ये हरपा के नाम से, ये देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। कंसर्ट हॉल है, कॉन्फ्रेंस सेंटर है, सिम्फोनी ओपेरा बिग बैंड है, कुछ गिफ्ट शॉप भी है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, देखते हैं अंदर अगर टिकट नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, इससे ऊपर से आप देख सकते हैं लाइक ये रूम होगा और उससे ऊपर आई थिंक पूरा व्यू देख सकते हैं। तो गाइज ये अंदर का वो है, यहाँ से आप लाइक लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ ऊपर से ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये इस डिज़ाइन को देखने यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और फोटोज़ बनाते हैं। अंदर से भी और बाहर से भी लोग फोटोज़ बना सकते हैं। तो गाइज़ ये जो बिल्डिंग था अंदर से भी आप लोगों ने देख लिया है, ये एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे एक और प्लेस है सन वॉयजर के नाम से, वहाँ पे एक स्कल्पचर लगा हुआ है वो भी लोग देखने जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखिए मौसम, जो पीछे आप स्टेचू देख सकते हैं ये लाइक मोस्ट पॉपुलर वो है प्लेस है, क्योंकि अभी तो ठंड है लेकिन टूरिस्ट आते रहते हैं। और एक स्कल्पचर है जो कि यहाँ पे पॉपुलर है, अभी तो आज बादल है, अगर बादल ना होते तो अगर लाइक ब्लू स्काई जिस तरह पिछला वो हमारा इलाका था उसमें आप देखा होगा कि जो दिन तक काफ़ी ब्राइट था, अगर ऐसा होता तो ये आप पूरा लाइक समंदर और ऊपर जो ये जो ग्रीनरी है जो छोटे से आइसलैंड है वो भी नज़र आती है आपको, और माउंटेन जो वो है वो भी आपको नज़र आते, तो एक अलग ही व्यू होता। तो एनी हाउ ये है स्कल्पचर, इसको भी आप विज़िट कर सकते हैं अगर आपको मौका मिला। इवन दो आपको लाइक जिस तरह अगर ब्राइट डे होता सनी डे होता तो ये व्यू आपको बहुत ही अच्छा आता लाइक लगता, क्योंकि वो जो पीछे माउंटेन है और सी है वो साफ आपको नज़र आती है और साथ में ब्लू स्काई। तो इन्हें हाँ आज थोड़ा ग्लूमी है आप देख सकते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस इसको भी आप विज़िट कर सकते हैं। हमने तो विज़िट किया और काफ़ी यहाँ पे अच्छा वाइब है और आप यकीनन इंजॉय करेंगे अगर यहाँ पे सनी डे हो ऑब्वियसली। तो चलो गाइस यहाँ पे हम ये भी लॉग इन करेंगे। तो आज हमने आप लोगों को तीन चार प्लेसेस दिखाई है, और जिसमें हम पहले गए थे वहाँ पे जो चर्च सब बना हुआ स्टैचू वो बंद दिखाए, पार्क एक पार्क सा बना हुआ था वो भी आप लोगों को दिखाया, और जो यहाँ पे जो स्ट्रीट थी वहाँ पे भी हमने वॉकिंग की, और उसके साथ एक जो रेनबो स्ट्रीट थी वो भी आप लोगों को दिखाई जो कि पॉपुलर हैं, और साथ में एक यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हॉल है वो जो डिज़ाइन बना हुआ वो भी आप लोगों को दिखाई, और लास्ट में ये जो स्कल्पचर बना हुआ ये आप लोगों को दिखाया। तो यकीनन एक यूनिक और डिफरेंट वाइब थी बाकी यूरोपियन सिटी से, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और आई एम श्योर कि अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग भी इंजॉय करेंगे, और मैं चाहता हूं कि मेरे जिस सारे जो देखने वाले हैं वो भी यहां पे मेरी तरह आके विज़िट करें और इंजॉय करें। और बस ये था विलाग आइसलैंड रिकोविक जो सिटी सेंटर के अराउंड वॉकिंग थी और जो जगह थी उस हवाले से। तो इंशाल्लाह फिर किसी और विलाग में किसी और नई लाइक जगह पर आप लोग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए काशिफ की तरफ से
हाफिज। पर हाँ गाइस, उससे पहले आपको पता है क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी करना है। तो जल्दी से अभी कर दें और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए काशी की तरह से अल्लाह हाफिज़।